हाय फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज की क्लास में हम सीख रहे हैं सर्ट्स बेस्ड कैलकुलेशन। चलिए देख लेते हैं। तो व्हाट आर सर्ट्स? सर्ट्स आर इरेशनल नंबर्स, जस्ट लाइक रूट 5, क्यूब रूट 11, स्क्वायर रूट 7। इरेशनल रूट, सर्ट्स आर इरेशनल रूट ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो दो बातें जरूरी हैं कि जो रैशनल नंबर है दैट मस्ट बी पॉजिटिव एंड द पावर ऑफ सर्ट इज मस्ट बी ग्रेटर देन 1। सपोज सर्ट इज ऑफ टाइप a टू द पावर n, n इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा होना चाहिए एंड a मस्ट बी पॉजिटिव। a जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन। यूपीएससी का एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, किसी भी एग्जाम में, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन में ये वाले क्वेश्चन आते हैं और देखने में बड़े टफ लगते हैं और लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, ये तो हमसे हो नहीं पाएगा विद इन अ टाइम, तो छूट जाते हैं। तो देखते हैं छोटे छोटे ट्रिक्स कि कैसे हम इनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज एज यू वो कैन सी दैट स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2, 2 एक रूट के अंदर एक रूट, अप टू द इन्फिनेटिव। हाउ कैन यू सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू द मेथड कि कैसे, अगर हम जनरल तरीके से करें तो कैसे करेंगे, ये भी आप देख लीजिए एक बार। सपोज x इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस नंबर कैन बी टेकन एज 2, क्योंकि बिकॉज दिस नंबर इज इन्फिनेटिव। तो अगर हम इसको 2x, अगर हम इसमें से इन्फिनेटिव में से बहुत थोड़ा सा कुछ ले लें तो इट डजेंट मैटर, तो हमने यहां से लेके यहां तक को पूरे को x मान लिया, क्योंकि बार बार रिपीटेशन है तो ये पूरा नंबर x है तो ये भी x ही कहलाएगा, दैट इज 2x। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वेयर करते हो तो व्हाट विल हैपन, x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x और यू कैन से x स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x cannot be 0, 0 तो हो नहीं सकता, तो दिस इज योर आंसर। तो इट मीन्स जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वॉट विल बी योर आंसर इज सिंपल 2। है ना बहुत आसान, कि जब भी मल्टीप्लीकेशन में है और अप टू इन्फिनेटिव है यू कैन राइट इट एज 2 विद इन अ सेकेंड, लेस देन सेकेंड यू कैन डू दिस। नाउ दिस इज योर टाइप 1। नाउ कम टू द टाइप 2 या और कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 स्क्वेयर रूट 5 एंड होल स्क्वेयर रूट। इसको भी देखते हैं पहले करके कि हम इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, तो 5 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 1/2। और जब हम सर्ट्स के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो जब मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है तो पावर्स एड हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3/2। ओके, 2 वन 2 एंड 3/2, 1 प्लस 1/2। अगर आप इसको देखो तो अब इसके ऊपर है एक स्क्वायर और, ठीक है। नाउ व्हाट इट विल बी, 1/2 आर के ऊपर 3/2 इंटू 1/2, दैट इज 5 टू द पावर 3/4। तो व्हाट टू डू, व्हाट इज द आंसर? जो भी नंबर है उस नंबर को लिखना है। अब स्क्वायर रूट का मतलब हम सब जानते हैं, यहाँ पे 2, ठीक है, 1/2, एक 2 और एक 2 कितना हो गया, 2 2 4, दिस इज योर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दो, दैट इज 3, दिस इज योर आंसर। और ये मैंने आपको बताया है कि ये कैसे होता है। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर देख लेते हैं, अब देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। बेस क्या नंबर है, 2, 2 2 4 2 8 2 16, डिनोमिनेटर इज 16, 1 लेस करोगे दैट इज 15, हो गया। सो सिंपल, आसान है बिल्कुल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट स्टेप की ओर देखते हैं कि जब नंबर स्क्वायर रूट में हो मल्टीपल और उनके बीच में प्लस साइन हो तब हम उनको कैसे करेंगे। तो जब उनके बीच में प्लस साइन होगा तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सपोज दिस इज अ नंबर, अगेन इसकी ट्रिक देखते हैं हाउ इट वर्क्स। 12 प्लस इस पूरे नंबर को हम मान लेते हैं x, दैट इज इक्वल्स टू x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दैट इज 12 प्लस x। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो अगेन x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस, अगर आप इसके रूट बनाओगे तो माइनस x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0,
x माइनस फोर एंड x माइनस थ्री। तो देखो x प्लस थ्री, सॉरी, तो x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस थ्री, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। व्हाट विल बी द आंसर? x इज इक्वल टू फोर। तो क्या प्रोसीजर है इसके लिए? दिस इज द डिटेल्ड स्टेप्स जो हमें करने हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो हम क्या इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, क्या स्टेप्स है, ट्रिक क्या है आपकी, कि जो नंबर है इसके फैक्टर्स बनाइए, इसको दो नंबर्स में ब्रेकअप करिए, दैट इज फोर इंटू थ्री। ऐसे टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर जिनमें बस एक ही डिफरेंस हो, दैट इज थ्री इंटू फोर। ऐसे तो हम लिख सकते हैं वन इंटू ट्वेल्व, टू इंटू सिक्स, लेकिन इनमें एक से ज्यादा का डिफरेंस है। यू हैव टू चूज टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स। फैक्टर्स आर थ्री एंड फोर। इफ देर इज अ प्लस साइन देन आंसर विल बी द बिगर नंबर। एंड सपोज इसी क्वेश्चन में प्लस की जगह अगर माइनस होता देन आंसर विल बी द स्मॉलर नंबर। है ना सान, बिल्कुल सिंपल सा। तो जो भी नंबर दिया है उसके फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनमें दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हो या जिन दोनों नंबर्स में एक ही नंबर का डिफरेंस हो। और अगर प्लस साइन है तो बड़ा नंबर आंसर होगा, और अगर माइनस साइन है तो छोटा नंबर आंसर होगा। सो सिंपल। कैसी लग रही है ट्रिक? बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अगर लग रही है तो वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फायदा उठा सके। सो फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हियर वी सी द नंबर इज सिक्स, बार बार मल्टीपल रूट्स है एंड द साइन इज माइनस। सिक्स के रूट बनाएंगे, दैट इज थ्री इंटू टू, क्या आंसर आना चाहिए? टू। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ रूट फाइव प्लस रूट फाइव प्लस रूट फाइव प्लस अप टू द इन्फिनिटी। तो कैसे करें ऐसे नंबर्स के जिनके फैक्टर्स ना बनते हो? तो फाइव के फैक्टर्स हम नहीं बना सकते टू कंसेक्यूटिव नंबर्स में। देन देयर इज अ फॉर्मूला, फोर ए प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट इज ए? फाइव। तो फाइव फोर इज 20 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, दैट इज रूट 21 बाय टू, और बिकॉज देयर इज अ प्लस साइन यहां पे हम प्लस कर देंगे, दिस इज योर आंसर, रूट 21 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। तो ऑलवेज लर्न द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद रखें। ए क्या है? फाइव। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, कई बार ऐसे ऑप्शन दिया होता है, कई बार कोई और ऑप्शन दिया होता है, वो कैसे? फाइव के फैक्टर नहीं बनते तो कोई बात नहीं, इसके आसपास जो नंबर है, फाइव का जो नेक्स्ट नंबर है, क्योंकि प्लस साइन है तो आगे वाले नंबर लेंगे। तो सिक्स, सिक्स के फैक्टर क्या होते हैं? थ्री इंटू टू। ये कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स हैं? यस है। तो इट मीन्स आंसर लाइज बिटवीन टू एंड थ्री। इज इट क्लियर? तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये और या फिर ये, जो भी दिया है आप उनमें से देख के टिक कर सकते हैं। नाउ इफ देयर इज अ माइनस साइन, तो यहां पर अगर माइनस साइन है, यहां हमने प्लस किया था और यहां हम माइनस करेंगे, देख लेते हैं। सेवन फोर सा 28, 28 प्लस वन 29, रूट 29 बाय टू, ये आता है आपका फॉर्मूले में रखने के बाद। और क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें क्या कर देना है? माइनस, दिस इज योर आंसर। सेकेंड मेथड क्या है कि सेवन से पहले नंबर कौन सा है? सेवन के सिक्स, सिक्स के फैक्टर बनते हैं थ्री एंड टू। तो यस, आइदर आंसर लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में होगा? बिटवीन थ्री एंड टू एंड थ्री, एक आंसर आपका ये भी हो सकता है। तो दिस इज द, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर सारे साइन एक जैसे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक माइनस प्लस माइनस प्लस, देन व्हाट टू डू? अगेन देयर इज अ फॉर्मूला बट लिटिल बिट डिफरेंट, फोर ए माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। तो ए क्या है? फाइव। फाइव फोर जो 20, 20 माइनस थ्री कितना हो गया? 17 डिवाइडेड बाय रूट 17 डिवाइडेड बाय टू, बट पहला साइन कौन सा है? माइनस। तो हम यहां पर माइनस कर देंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम नंबर रूट में, और लेकिन पहला साइन कौन सा है? प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन व्हाट टू डू? फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो फोर इलेवन सा 44 माइनस थ्री 41 डिवाइडेड बाय रूट टू, क्योंकि पहला साइन प्लस का है तो पुट प्लस यहां, दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वन प्लस वन, हाउ टू डू? इसमें आप क्या करोगे? वन प्लस वन में
वन का जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज टू, इसके फैक्टर्स बनते हैं वन एंड टू. इट मीन्स आंसर लाइज बिटवीन, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका बिटवीन वन एंड टू, और दूसरा क्या हो सकता है फॉर्मूले से. व्हाट इज द फॉर्मूला? 4a इंटू प्लस वन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू. कितना हो गया? रूट फाइव बाय टू एंड प्लस वन, अगर प्लस है तो. ओके, और अगर माइनस है तो व्हाट विल बी द आंसर? हम लगा देंगे यहाँ पे माइनस. इट्स वेरी सिंपल, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस. ठीक है, जब प्लस है तो आंसर लाइज बिटवीन वन एंड टू, बट जब माइनस है तब क्या कर सकते हैं हम? वन से पहले नंबर आता है जीरो, जीरो के फैक्टर होते हैं वन एंड, सॉरी जीरो एंड वन. तो आंसर लाइज बिटवीन जीरो एंड वन. तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्ट. सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑन सर्ट्स जो देखने में बहुत बड़े लगते हैं, और अगर हम इनको डिटेल में सॉल्व करें तो बहुत टाइम लेते हैं. ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे, ट्रिक की आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.